चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या होता है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कब दिया जाता है, भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के नियम क्या हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के नियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारत में रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। कथन दो, भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यह मंजूरी देता है। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। यह चर्चा में क्यों है? कोरोना वायरस के विरुद्ध व्यापक टीकाकरण के लिए जो अनुमति दी जा रही है उसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों की वैक्सीन निर्माता कंपनियां COVID-19 के लिए निर्मित दवाइयों का इमरजेंसी अप्रूवल मांग रही है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या है? दवाओं की ही तरह डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल उपकरणों और वैक्सीन को हर देश में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यह मंजूरी वैक्सीन और दवा के केस में उसकी सुरक्षा और प्रभाव के आधार पर दिए जाते हैं। इसका आधार जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स का डेटा है। ट्रायल्स की हर स्टेज पर भी रेगुलेटर से मंजूरी की जरूरत पड़ती है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। वर्तमान में लंबे समय तक कोरोना वैक्सीन का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस कारण से दुनिया भर में ड्रग्स रेगुलेटर्स दवाओं, वैक्सीन और अन्य मेडिकल प्रोडक्ट्स को इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने पर ही लोगों पर यह दवा या वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कब दिया जाता है? अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटर के अनुसार इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन तभी दिया जा सकता है जब वैक्सीन या दवा के संभावित खतरों के मुकाबले उनसे होने वाला फायदा ज्यादा हो। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के डेटा के आधार पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं दिया जा सकता। फेज 3 ट्रायल का एफिकेसी डेटा आने के बाद ही इस पर विचार हो सकता है। फूड एंड ड्रग रेगुलेटर ने COVID-19 के लिए तय किया है कि अगर फेज 3 एफिकेसी डेटा में वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव रहती है तो ही उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा। यह डेटा 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का होना चाहिए। वैक्सीन के सभी डोज देने के एक महीने बाद तक कम से कम एक महीने तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के क्या नियम हैं? भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यह मंजूरी देता है। भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल नियम के अनुसार रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार दिया है। इमरजेंसी यूज की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल जैसी ही होती है। हर पेशेंट के डिटेल्स जरूरी होते हैं, उन पर नजर रखी जाती है। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं और लाइसेंस मिला है उसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है। जब कंपनी इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज की परमिशन मांगती है तो रेगुलेटर के स्तर पर दो स्टेज में वह प्रोसेस होती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी
उस एप्लीकेशन पर विचार करती है। वैक्सीन अप्रूवल के बाद यह उच्च स्तरीय कमेटी के पास जाता है। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव भी होते हैं। इस तरह के अप्रूवल के क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? यह अलग अलग दवा और वैक्सीन पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आगे चलकर इमरजेंसी अप्रूवल हटा दिया जाए और पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जाए। कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर के साथ ऐसा ही हुआ। WHO ने भी पहले जिन दवाओं को कोरोना में कारगर बताया, बाद में उन्हें वापस ले लिया। फूड एंड ड्रग रेगुलेटर के अनुसार लोगों को ऐसी दवा, वैक्सीन या मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में बताना आवश्यक है कि उसे इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और अब तक उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। इसी तरह की प्रक्रिया का पालन भारत समेत सभी देशों में किया जा रहा है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था, उसका सही जवाब है विकल्प सी। आज की वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।